मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 6 से 8 तक आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। आर्टिकल्स कक्षा 6 तक सेम ही प्रोसेस है इनकी, आर्टिकल्स भी। इनको अपने दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग को बोलते हैं इंडेफिनेट, दूसरा भाग है डेफिनेट। इंडेफिनेट में दो आर्टिकल्स आते हैं, ए अथवा एन। डेफिनेट में केवल एक आर्टिकल आता है, वो है द। तो सबसे पहले अपने अध्ययन करते हैं ए का। ए का हिंदी अर्थ होता है एक। काउंटेबल नाउन से पहले आता है, जो नाउन सिंगुलर हो। ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है। किसे पूर्व किया जाता है? ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व किया जाता है, जिसमें प्रथम लेटर की ध्वनि कॉन्सोनेंट से निकलती हो। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे ए बॉय, ए कैट, ए डॉग। इसमें बॉय, बे, कैट, कैट, डॉग, डे, ये सभी किसकी ध्वनि है? व्यंजन की ध्वनि है। इसलिए इससे पूर्व किसका प्रयोग हुआ? ए का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार शॉर्ट में आपको बताता हूं एन का प्रयोग। एन का हिंदी अर्थ भी क्या होता है? एक होता है। इसका हिंदी अर्थ भी क्या होता है? एक होता है। और इसका प्रयोग काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पूर्व होता है। किससे पूर्व होता है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पूर्व होता है। बशर्ते इसकी कंडीशन यह है कि जिस नाउन की ध्वनि, नाउन की साउंड वोवेल से शुरू, जो भी नाउन हो एक वचन का हो और उसकी ध्वनि वोवेल से शुरू हो, तो एन का प्रयोग होता है। वोवेल अंग्रेजी में वोवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू अंग्रेजी में 5 स्वर वोवेल माने गए हैं। इनसे पूर्व एन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट एन और इस प्रकार एप्पल का ए स्वर है, वोवेल है, ऑरेंज का ओ भी स्वर है, ई स्वर है, और में एच कॉन्सोनेंट लेकिन ध्वनि स्वर की है। इस प्रकार से ए और एन का प्रयोग का ये अंतर है कि ए का अर्थ भी एक होता है और एन का अर्थ भी एक होता है। और ए सिंगुलर उन नाउन से पूर्व होता है जिनकी ध्वनि
व्यंजन से शुरू होती है और एन का प्रयोग उन संज्ञाओं से पूर्व आता है जिनकी ध्वनि सवर वोवेल से शुरू होती है। इस प्रकार से अपने दो इंडेफिनेट आर्टिकल पूर्ण हो गया। कल मैं आपको द आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा।